हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में 22 जुलाई के बाद टिड्डी दल के हमले में तेजी आने की संभावना के संबंध में चेतावनी जारी है, जिसके मद्देनजर टिड्डी दल पर काबू पाने और फसलों को नुकसान से बचाने के तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अन्य बचाव उपायों के अलावा कीटनाशक लैम्बडा सिहलोथ्रिन 5EC की अतिरिक्त मात्रा में स्टॉक करने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने किसानों को टिड्डी से अपनी फसलों को बचाने के लिए और किसानों की समस्या के समाधान के लिए सलाह दी गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह का कहना है कि टिड्डी दल अफ्रीका से चलकर आया है। वह ओमान, ईरान, पाकिस्तान से राजस्थान व राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करता है। आमतौर पर टिड्डी दल मानसून सीजन में आते हैं। इस बार टिड्डी दल लगभग 27 साल बाद आए हैं। पिछले साल 2019 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में कुछ टिड्डी दल सक्रिय थे। दिसंबर 2019 में भी हरियाणा के सिरसा व हिसार जिलों में टिड्डी दल के आने की संभावना बनी रही, परंतु टिड्डी दल ना आने से बचाव हो गया। ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है। वर्तमान में हरियाणा के भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा व हिसार जिलों में टिड्डी दल आने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए किसानों व कृषि अधिकारियों को सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने बताया कि टिड्डी एक बहुभक्षी कीट है तथा यह किसी भी फसल को खा जाती है। टिड्डी दल अगर फसल पर बैठ जाए तो रातों रात पूरी फसल चट कर जाता है। टिड्डी सभी फसलों जैसे मक्की, बाजरा, ज्वार, ग्वार, नरमा, गेहूं, जो भी है सब्जियां हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति जिसे कीकर आदि सभी को खा जाती हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर कुलपति समर सिंह ने बताया कि टिड्डी दल का प्रकोप रेतीली भूमि वाले क्षेत्रों में ज्यादा होने की संभावना रहती है। कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जिलेवार कृषि विज्ञान केंद्र व कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं तथा कृषि विभाग से लगातार संपर्क में हैं और किसानों को सजग कर रहे हैं, बचाव के उपाय भी बता रहे हैं। वहीं सिंह ने बताया कि टिड्डी परिवासी आदत का कीट है, इसीलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुंच जाते हैं। जैसे टिड्डियों के परिपक्व होने के बाद यही ये अंडे देने के लिए राजस्थान एवं गुजरात के रेगिस्तान इलाके जो भारत पाक सीमा से सटे हैं अच्छी वर्षा होने के बाद इकट्ठा होते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने बताया कि किसान भाइयों व बहनों को टिड्डी दल के प्रति सचेत रहना है और अपने खेतों में खड़ी फसलों व रखवाली की निगरानी करनी है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। देखिए, टिड्डी दल के बारे में जो चेतावनी दी गई हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का फर्ज बनता है कि वो किसानों को सचेत करे, क्योंकि जब भी टिड्डी दल का प्रकोप होता है और किसान सचेत नहीं होते तो उसका काफ़ी नुकसान वो हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि टिड्डी दल जो एक दिन में उड़ान भरता है और रात को कहीं भी जब बैठता है तो ये उस फसल को खा जाता है, और ये आमतौर पर उन सभी फसलों जैसे कि आपकी सीजन में बाजरा है, आपकी कपास है, मक्की है, ग्वार है और जितनी और दूसरी फसलें हैं सभी को के ऊपर बैठ कर खा जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे कई बार देखा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने भी इसका प्रकोप पिछले साल देखा गया था, तो वहाँ पर ये गेहूं और जौ जितनी वो दूसरी फसल उस समय होती है तो उनको भी चट कर जाता है, और ख़ासकर जहाँ पर रेतले इलाका है तो वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और ये जो टिड्डी दल है ये अफ्रीका से चलकर ओमान के रास होते हुए ईरान और फिर पाकिस्तान के होते हुए हमारे इंडिया में राजस्थान के रास्ते प्रवेश करता है, वहाँ से ये हरियाणा में इसके आने की संभावना रहती है। और हरियाणा में तकरीबन जो ये हमारे ज़िले हैं, रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, सिरसा है, तो इनमें एक ज़्यादा इसकी आशंका है कि इनमें ये आ सकता है। और हम कहते हैं कि किसान भाइयों, जब भी आपको नज़र आता है कि टिड्डी दल आपके आसपास है, सीमावर्ती इलाके में है,
तो आप उसके लिए तैयार हो, सभी को तैयार करें एक ग्रुप में, और सभी को मिलकर शोर करके, ढोल बजा के, ड्रम बजा के, तरह तरह की आवाज़ करके उसको भगाने का प्रयास करें। इसके अलावा जो गांव में ट्रैक्टर द्वारा जो चालित स्प्रे पंप है उनसे स्प्रे भी करें, और स्प्रे के लिए जो यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश की गई दवाई है उनका ही प्रयोग करें, और उनमें हमारी एक क्लोरोपाइरीफॉस दवाई है, उसकी 1200 ml उसकी दवाई पर हेक्टेयर में 450 से 500 liter प्रति हेक्टेयर, और एक लैम्डा दवाई है तो उसकी डोज 400 ml प्रति हेक्टेयर 450 liter पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि ये जब परिपक्व हो जाती है तो ये फिर अंडे देती है, तो ये ज़मीन के नीचे जहाँ पर रेतली ज़मीन है और नमी कम है, मतलब खुश्क इलाके हैं, जैसे कि राजस्थान और गुजरात का रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर ये अंडे देती है 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन के अंदर। उसके बाद ये जब प्रकोप इसका होता है, तो ये जब भी इसका प्रकोप होता है तो किसानों को हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, हमने अभी से सभी को अलर्ट कर दिया है कि आप कृषि विभाग के संपर्क में रहिए, क्योंकि इस समस्या से सभी को मिलकर ही इस समस्या का मुकाबला किया जा सकता है। इसमें डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से सचेत है, और जब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एक किस्म के, हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि सभी मिलकर किसान, वैज्ञानिक और एक्सटेंशन विभाग, तो इस समस्या को निपटा जा सकता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है सभी से कि किसान भाइयों सचेत जरूर रहिए, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे नज़दीक के जितने भी आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे लीजिए, जो डिपार्टमेंट विभाग हैं उनके जितने भी एक्सपर्ट हैं आप उनसे इसकी जानकारी लीजिए। देखिए इसका तो कई बार तो इसका लाखों में भी चला जाता है और हज़ारों में तो रहता ही है, किंतु जब हम अक्सर देख लेते हैं कि इसकी संख्या अगर एक खेत में हमारे थोड़ी है, मतलब 50 है, 100 है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो भटके हुए टिड्डी दल है, तो उन पे तो आपको ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, उनको तो वैसे ही शोर करके भगा जा सकता है। किंतु जब ये टिड्डी दल बड़े आकार में आता है और लाखों में आता है, कई बार ये कई कई किलोमीटर तक लंबा एक मतलब उनका दल है वो चलता है, और एक जो मादा टिड्डी है तो वो तकरीबन अपने जीवन काल में 3 बार अंडे दे देती है, तो उसमें 3 बार अंडे देने में वो लगभग आप 200 से 300 अंडे दे देती है। तो इसलिए जब भी टिड्डी दल, एक और पहचान है जब भी ये उसकी अंडे देने के काबिल होती है तो उसका रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है, नहीं तो अन्य तेज का रंग गुलाबी रंग का होता है। टिड्डी दल मक्का, बाजरा और आपका कॉटन, आपके ये जितने भी नरमा के साथ साथ दूसरी ग्वार, ज्वार, तो और साथ में अगर किक्कर हैं कहीं तो उन पे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है, और ज़्यादा असर इसका वहीं पर मिलता है जहाँ पर थोड़ा रेतला इलाका है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.